मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो बना के लाया हूँ। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को हैंडल लॉक लगाना हो आप लोग देख सकते हैं, तो इसको कैसे लगाते हैं, इसको कैसे फिट करते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ कैसे लगता है लॉक, इस लॉक के बारे में पूरा आज को बताता हूँ कैसे इसको फिट करते हैं। तो आइए दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों नीचे से आप लोगों को 40 इंच पर निशान लगा ले पहले, इसको नीचे से 40 इंच पर निशान लगा ले इसको, ठीक है। और फिर इसको ये जो मशीन है इसका मशीन है जो ना, ये ऊपर कोर पे इसको रख के इसको निशान लगा ले पहले, कितना गलाना है इसको, ठीक है। नीचे भी निशान लगा ले, और ये निशान लग गया दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और फिर ये दोनों तरफ साइड से इतना इतना आप लोगों को निशान लगा लेना है, ठीक है। दोनों तरफ से निशान लगा ले इसको, और फिर इसको मशीन से इसको सुराख कर रहे अंदर, पूरा स्पेस बनाए ताकि ये मशीन आपको ये इजीली अंदर चला जाए इसकी, ठीक है, ये आसानी से अंदर बैठ जाए इसको। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलो देख सकते हैं, ऐसे ही आपको सुराख करना है, पूरा नीचे तक सुराख करना है, और इसके बाद चर्ची और कचक से इसको बढ़िया से बना देना है ताकि आपका जो लॉक का मशीन है अंदर आसानी से फिट हो जाए, ठीक है। देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर गला दिया हूँ मशीन के अंदर के लिए। तो अब क्या करना है दोस्तों, आप लोग इसको लॉक को अंदर की तरफ लगा ले इसमें, और क्या करना है देख लीजिए, पूरा बैठ गया आसानी से। तो इसको गला लेना है बढ़िया से, और फिर इसको निशान लगाना है यहाँ पे, ये जो पत्ती बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये जो पत्ती बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसको अंदर की तरफ फेस में करना पहले के फेस में, ठीक है। तो इसको निशान लगा लीजिए, निशान लगाने के बाद दिखा देते हैं, ये जो निशान लगाए हैं आप, ये जितना मोटाई है उतना ही से मोटाई, इतना थोड़ा थोड़ा इसको खपना है, ठीक है। ये साइड से रखने देना है, और ये अंदर का ये वाला निकलना है और ये वाला निकलना है, ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। तो चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये पत्ती का जो स्पेस था, ये वाला पत्ती का स्पेस था, ये यहाँ पे गला दिए हैं इसको। तो अब लॉक लगा इसमें लगा के देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये बराबर हो गया पहले के फेस में हो गया ये वाला। तो अब क्या करना है दोस्तों, आप लोग को बताते हैं, इसको निकाल लेना है फिर से। अब चेक करने के बाद इसको निकाल लें, और फिर यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ये जो ऊपर वाला यहाँ पर है इसके फेस से इसको पकड़ना है, और आगे की तरफ से ये फेस भी कर देना है इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लॉक का दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला दोनों को में ही निशान लगा लेना है, ठीक है। तो दोनों में इसको निशान लगा लेना है बढ़िया से, ठीक है। दोनों में निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मशीन से सुराख कर देना है, ठीक है, मशीन से इसको सुराख कर देना है बढ़िया से। ऐसे थे दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसका सुराख था और लॉक का जो सुराख था, सिलेंडर लॉक का, ये दोनों का सुराख यहाँ पर हो गया है। तो मैं जो बताया था ना, आप लोग देख सकते हैं, ऐसे निशान लगा लेने के बाद इसको यहाँ पे सुराख कर लेना, ठीक है। देख सकते हैं दोनों तरफ निशान हो गया है, ये सुराख कर दिए इसमें। अब क्या करना है, इसको अंदर इसको लगा के, ठीक है, इसको अंदर लगा के देख लीजिए, ये सुराख ठीक है, एकदम मैचिंग है, थोड़ा भी अल्टर नहीं है, दोनों साइड से देख लीजिए। अब इसको क्या करना है दोस्तों, ये जो पेच दिख रहा है, ये वाला पेच और ये वाला पेच, दोनों को टाइट कर देना है, ठीक है, ये दोनों पेच को कस देना है अब, ठीक है। तो दोस्तों इसको कसने के बाद, अब ये जो हैंडल है, अभी इस हैंडल को सेटिंग करना है, ठीक है। तो चलिए बता देते हैं, जो इसमें एक रॉड आता है, ये छोटा सा एक रॉड आता है इसमें देख ले, और ये ऊपर लगा देना है इसमें, ऊपर वाले में लगा देना है इसको। अब ये हैंडल है, इसको हैंडल को इस वाले सुराख में इसको अंदर लगा देना है, ठीक है, दोनों तरफ से इसको, दोनों तरफ से इसमें घुस डाल देना है अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों बता देते हैं, इसको ये सीधा कर देना है, इसको सीधा करके यहाँ पे साइड साइड से इसको निशान लगा ले, ठीक है, उस साइड भी निशान लगा ले, ठीक है, दोनों साइड से निशान लगा लेना है इसको। निशान लगाने के बाद इसको दोस्तों निकाल लेना है, ठीक है। और ये जो ये दिया हुआ है ना, ये वाला, इसको निकाल लेना है आपको, इसी में चाबी भी आता है, ऐसे वाला चाबी आएगा, इस चाबी से इसको खोल के इसको बढ़िया से इसको निकाल ले इसमें से, ठीक है। फिर देख सकते हैं दोस्तों, ये निकाल दिए इसमें से, हैंडल में से निकाल दिए इसको। तो अब क्या करना दोस्तों, ये जो निशान लगाए थे, ये जो निशान लगाए थे दोस्तों, सेम साइज चारों तरफ से इसमें गैप रखना है, ठीक है, इसको
सेम साइज से इसको गैप रख के ये जो सुराख दिख रहा है इस सुराख में निशान लगा देना है इसको, और निशान लगाने के बाद इसमें पतला बीट से इसको सुराख कर देना है, ठीक है। दोनों साइड से निशान लगा ले इसको, चारों तरफ से सेम ग्रुप रखना है इसका, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों जो निशान लगाए थे इस पर अब क्या करना है, इसको पतले बीट से सुराख कर देना है, इसको पतला बीट से सुराख कर देना है, ठीक है। इसको दोनों तरफ से सुराख करना है, आगे पीछे दोनों तरफ से करना है इसको सुराख, ठीक है, जो निशान लगाए थे। तो दोस्तों ये दोनों हैंडल में से इसको निकाल लेना है, ठीक है। दोनों हैंडल में से निकालने के बाद इसको क्या करना है, इसमें दोस्तों आपको इस साइज का पेंच मिल जाएगा, ठीक है, इस साइज का पेंच मिल जाएगा आपको, और इसी में एक और पेंच मिलेगा आपको, ये छोटा सा पेंच मिलेगा, ये वाला देख सकते हैं आप लोग, ये पेंच मिलेगा, इसी पेंच पे ये टाइट होगा, ठीक है। तो भाई ये दिखा देते हैं, तो ये दोस्तों ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है ये ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है, अंदर की तरफ ये उल्टा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देना निशान पे, और उसके बाद इसमें लगा देना है इसको, आपको सुराख में इसको लगा देना है पेंच को, और बैक साइड से इसको, बैक साइड से इसको रख के और ये वाला पेंच लगा देना है, ठीक है। दोस्तों इसको इस दोनों पेज को टाइट करने के बाद इसको क्या करना है, इसको अंदर लगा देना है रॉड को, और ये जो हैंडल है, हैंडल दोनों साइड से इसको फंसा देना है, ठीक है। हैंडल को दोस्तों दोनों तरफ से इसको बैठा देना है इसमें, ठीक है। हैंडल में इसको बढ़िया से बैठा दे इसको, देख लीजिए ये हैंडल बैठ गया है। अब इसको बैठाने के बाद क्या करना है दोस्तों, इसको ये जो दिख रहा है ना पेज साइड में, ये सभी पेज को इसको टाइट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हैंडल का ये जो साइड का पेंच है ये टाइट कर दिए हैं, दोनों तरफ टाइट कर दिए हैं इसको, देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं ये टाइट हो गया है, ये हैंडल टाइट हो गया है। अब दोस्तों क्या करना है, ये नीचे का जो सिलेंडर लॉक है, अब इसको दोस्तों अब इसमें लगा देना है, ठीक है, इसके अंदर अब लगाना है इसको। तो पहले इसको लगा दें इसमें और फिर इसको अंदर डालना है, ठीक है। ये जो है ये अंदर के साइड लॉक ये रहेगा, ठीक है, अंदर से लॉक होने के लिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो ये दोनों साइड से इसको इसमें लगाना है, ठीक है, और इसका जो पेंच आता है एक, इस पेंच को इसमें लगा देना है, ठीक है, ये पेंच को इसमें आराम इसको कस देना है इसको, ठीक है। पहले इसको पेंच कसते टाइट कर दे, उसके बाद ही तो इस पेंच को इसको टाइट कर देना है इसको। अब टाइट हो गया है, और टाइट करने के बाद दोस्तों इसको क्या करना है, इसको फिर से निशान लगाना है इसमें साइड साइड से इसमें। तो चलिए निशान लगा लेते हैं इसमें, इसको सीधा रख लेना है इसको, और इसको साइड साइड से इसको निशान लगा लेना है पेंसिल से, ठीक है। दोनों तरफ सेम ऐसे ही निशान लगा लेना है, इस साइड भी निशान लगा लेना है, ठीक है। तो चलिए दिखा देते हैं, निशान लगाने के बाद दोस्तों ये जो पेंच टाइट किए थे सिलेंडर लॉक का, ये पेंच खोल देना है, ठीक है, और पेंच खोलने के बाद ये भी अंदर से इसको भी खोल देना है, ठीक है। खोलने के बाद ये यहाँ से पेंच इसको ढीला कीजिए, ये खोल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे खोलने के बाद इसको इस पर निशान लगाएंगे, इस पर सेम निशान लगा के इसको भी सुराख करना है उसी तरह जैसे ये ऊपर वाला निशान किए थे, सुराख किए थे, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं सुराख। तो इसको सुराख करने के बाद इसमें इसको पेंच की वजह से टाइट कर देना है इसको, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों ये टाइट हो गया है, ठीक है, निशान से चारों तरफ से कैप इसको सेम ही रखना है, ठीक है। अब इसको टाइट करने के बाद इसको पहले सिलेंडर लॉक में इसको डाल दें अंदर, फिर इसको अंदर इसमें डालना है, ठीक है। इसको अंदर डालने के बाद क्या करना है दोस्तों, इसको पेच ये वाला फिर से लगा देना है इसको, इस वाले पेच को इसको टाइट कर देना है, देख सकते हैं, इस वाले पेच को इसमें टाइट कर देना है, ये टाइट हो चुका है, और इसको इसमें बैठाना है, ठीक है, इसको इसमें बढ़िया से बैठा देना है, ठीक है। दोनों साइड का जो था ये दोनों बैठा देंगे इसमें, ये दोनों बैठाना है इसमें, बढ़िया से आराम से बैठाइएगा इसमें, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों तरफ का बैठ गया, बैठाने के बाद इसको ये पेच चारों तरफ का जो पेच दिख रहा है ये साइड और दोनों ये साइड का भी, ये सभी पेज को इसको टाइट कर देना है, ठीक है। तो चलिए इस पेज को पहले टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये टाइट कर दिए इसको, ठीक है, दोनों साइड से इसको टाइट कर दिए हैं। अब इसको दोस्तों क्या करना है, इसको चेक कर लेना है ये लॉक बाहर की तरफ निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये लॉक बाहर की तरफ निकल रहा है, ये बाहर की तरफ निकल जा रहा है लॉक,
अब इसको क्या करना दोस्तों, इस पर फेविकॉल कर फेविकॉल थोड़ा थोड़ा रख के इसमें निशान लगा लेना फेविकॉल पे, उसके बाद सुराख करना है, ठीक है। तो चलिए इस पर पहले फेविकॉल लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसमें फेविकॉल लगा लिए, ठीक है। फेविकॉल लगाने के बाद इसको क्या करना दोस्तों, इसको लॉक को अंदर कर दे। अंदर करने के बाद इसको पता में जाने देना है, इसको हैंडल इसको नीचे की तरफ कर दे इसको, और फिर इसको अंदर की तरफ दाब देना है इसको पल्ले को, और फिर इसको निशान लगा देना है इसमें, ठीक है, ऊपर नीचे करके। और इसको भी हैंडल को और ये भी लॉक को थोड़ा घुमा के एक बार दो बार इसको निशान लगा देना है, ठीक है। निशान लगाने के बाद फिर हैंडल को नीचे की तरफ करके ही बाहर इसको निकालना है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये निशान लग गया है। और निशान लगने के बाद दोस्तों इसमें लॉक में एक पत्ती आएगी, ये जो पत्ती आप लोग देख रहे हैं, इस पत्ती को अब क्या करना है, इस पर रख लेना है, इस जो निशान लगाए थे इसके ही फेस में रख लेना है इसको, ठीक है, इतना पे। और इतना पे रखने के बाद इसमें दोस्तों क्या करना है, पेंसिल से इसको साइड से चारों तरफ से निशान लगा लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको निशान लगा लेते हैं। तो दोस्तों क्या करना है इसमें, ये इसमें निशान लगा लेना है इसको, ठीक है, इसमें निशान लगा लेना चारों तरफ से, ये साइड से पत्ती के भी निशान लगा लेना, ठीक है। ये जो साइड का पत्ती है इसमें भी निशान लगा लेना है, ठीक है। तो इसमें चारों तरफ से निशान लगा लेना है इसको। और जो बीच वाला निशान है सेम इसी को ही सिर्फ गलाना है, ये जो बीच वाला निशान है ये सिर्फ इसी को गलाना है, ठीक है। ये और ये बीच वाला ही निशान गलेगा, ठीक है, इतना बात को ध्यान रखें। तो चलिए इसको गला लेते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों इसको सुराख कर लेना है, ठीक है, जो निशान लगाए थे अंदर इसको सुराख कर लेना है। अब इसको दोस्तों इसको चर्सी से इसको बराबर कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसको बराबर कर देते हैं। अब ये जो निशान लगाया है इसी पर करना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हम देख सकते हैं ये गला दिए हैं इसको। तो चलिए पहले एक बार लॉक लगा के चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसमें पत्ती लगाएंगे, ठीक है। तो आइए पहले इसको दिखा देते हैं काम कर रहा है कि नहीं लॉक। तो चलिए इसको देख लेते हैं बंद करके। तो ये बंद हो गया दोस्तों, देख सकते हैं, ये एक बार लॉक भी लगा के इसमें चेक कर लेंगे, आसानी से चला जा रहा है, ये देख सकते हैं, ये आसानी से चला गया है लॉक, ये आसानी से लॉक चला गया है। अब इसको दोस्तों चेक करने के बाद इसमें पत्ती लगा देंगे, ठीक है, जो लॉक के साथ में पत्ती आती है, जो ये पत्ती आती है जो गलाने के बाद इस पर इस पत्ती को इस पर लगा देना है, ठीक है। इस पत्ती को इस पर बिठा देने के बाद इसमें जो पेच दिख रहा है ये तीनों पेच को टाइट कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट। तो ये तीनों पेज को दोस्तों इसको टाइट कर देना है इसको। तो देख सकते हैं ये तीनों पेज को टाइट कर दिए, ठीक है। तो चलिए अभी इसको लॉक करके देख लेते हैं इसको, ये इसका पत्ती है जो सही से लगा हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये आराम से लग गया है। तो इसका लॉक भी चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं, इसको हैंडल को नीचे करके चेक कर लीजिए, लॉक लग गया, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर दे दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको बाहर से भी लगा के चेक कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों चलिए इसको बाहर से भी लॉक करके चेक कर लेते हैं, आसानी से ये बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो अब इस लॉक को बाहर से अब चेक कर लेते हैं एक बार, लॉक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये लॉक हो गया बाहर से भी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दे दोस्तों। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूँ इसमें और भी लॉक लगाए हैं, तो आइए दिखा देते हैं एक बार। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी लॉक लगाए हैं, कितना मस्त है ये लॉक। तो देख सकते हैं ये भी एक लॉक है जो कि आसानी से बंद हो जाएगा। तो ये हमारे पेंटर भाई काम कर रहे हैं, देख सकते हैं ये पॉलिश का काम कर रहे हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम करते हैं।